नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे हमारे सोलर पैनल से चार्ज होने के लिए जो सर्किट होती है, यानी कोई बैटरी को अगर हमको चार्ज करना है तो उसके सर्किट के बारे में बताएंगे कि उसकी डिज़ाइन कैसे होती है। और ये मैं एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और इसके और भी जैसे MPPT हुआ, PWM हुआ और जितने भी और हाई टेक्नोलॉजी के सर्किट डायग्राम हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि हमारा ये चार्जर कैसे काम करता है। तो चलिए आज आपको बैटरी चार्जर के बारे में बताते हैं कि पैनल से जो हमारी बैटरी चार्ज की जाती है उसे कैसे हमको जो है डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम एक मॉस्फेट को लेते हैं जो पी चैनल का मॉस्फेट है। ये पी चैनल का मॉस्फेट है और इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है, यानी इसका मैक्सिमम वोल्टेज 60 वोल्ट है, यानी 60 वोल्ट है इसकी मैक्सिमम वोल्टेज। और ये जो 27 एम्पियर पे, यानी 27 एम्पियर पे ये मैक्सिमम काम करता है। अभी इसकी डिटेल हम देते हैं इस मॉस्फेट की, यानी पी चैनल का मॉस्फेट है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें, ये जो हमारा ये पैनल है तो पैनल में यहाँ से दो सप्लाई निकलती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये मैं यहाँ पे ये पहली वीडियो है हमारी इस पे जो स्टार्ट किए हैं सोलर पे, तो इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एक सप्लाई जो आउट हो रही है वो देखिए, यहाँ से ये हो गया इसका पॉजिटिव सप्लाई और नीचे से जो आउट होगी ये हो गया इसका नेगेटिव सप्लाई। ये और यहाँ पे एक और हम बता दें आपको, और एक LED लाइट होगी जो कि रेड कलर की होगी। एक एक फीडबैक आएगा यहाँ ऐसे, यहाँ से ये 1K रेजिस्टेंस और 4148 जो डायोड के द्वारा यहाँ एमीटर से जुड़ा हुआ है। और ये ट्रांजिस्टर जो है ये 2N2222 इसका नंबर है, ये NPN बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। जो वोल्टेज कैपेसिटी है और एम्पियर उसके बारे में बता दें आपको, ये है F क्यू पी 27 06। इसकी जो ये पी चैनल है ये मैक्सिमम एम्पियर और गेट वोल्टेज -4 वोल्ट। ये गेट का थ्रेशोल्ड है, गेट थ्रेशोल्ड। इस मॉस्फेट की ये इसके स्पेसिफिकेशन है इस मॉस्फेट की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पी चैनल का मॉस्फेट है और इसकी 60 वोल्ट जो है
मैक्सिमम वोल्टेज है यानी ड्रेन की वोल्टेज, और ये 27 वोल्ट यानी 27 एम्पियर मैक्सिमम इसका जो है कैपेसिटी है ये। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि आप जो है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। जो सर्किट ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी के चार्जिंग के लिए है, और यहाँ से जो है आपको इस प्रीसेट के द्वारा इसे यहाँ पे सेट करना होगा जो कि 14 वोल्ट आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस प्रीसेट के द्वारा। और ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है NPN ट्रांजिस्टर हैं जो 2N2222 है। तो कहने का मतलब कि ये तीन ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं जो कि NPN ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और ये 2222 जो ट्रांजिस्टर है एक जनरल पर्पज़ यूज़ के लिए ट्रांजिस्टर है, और यहाँ तीनों ट्रांजिस्टर का जो है नंबर एक ही है। केवल ये मॉस्फेट जो है पी चैनल का मॉस्फेट है जो कि इसका जो स्पेसिफिकेशन है आप देख सकते हैं ये। और ये सोलर पैनल है। अब यहाँ से जो आपको दो सप्लाई यहाँ से हमारी आउट होगी यानी एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आएगी जो कि इसका ये सोर्स है, ये सोर्स पे इन होगी और ड्रेन से आउट होगा, और गेट पे इसके वोल्टेज फिक्स किए जाएंगे। ये हो गया इसका गेट, ये हो गया सोर्स, ये होगा ड्रेन। अब यहाँ पे देखिए काम कैसे करता है। ये मान लीजिए ये पैनल है, पैनल की जो दो सप्लाई आउट हो रही है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव सीधे यहाँ सोर्स पे जाएगी, नेगेटिव ये जो हमारा डायरेक्ट यहाँ बैटरी से जुड़ेगा। इसका जो इंडिकेशन ये है, और ये जहाँ जहाँ ये ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे ये सब जो है एक नेगेटिव से जुड़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये काम कैसे करता है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारी आई और यहाँ पर सोर्स पर गई। अब ये ड्रेन से जब तक नहीं आउट होगा जब तक इसके गेट को हमारी नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी। और नेगेटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो है पॉजिटिव सप्लाई यहाँ 4K7 द्वारा यहाँ जीनर पे आया, जहाँ पे जो है 6 वोल्ट का एक जीनर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे ये वोल्टेज को फिक्स करता है। यानी 6 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे वो ग्राउंड कर देगा। यानी अपने जीनर का जो फंक्शन है कि अपने से ज़्यादा वोल्टेज को जो है ग्राउंड कर देता है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ 6 वोल्ट फिक्स होके ये 6 वोल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चूँकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये 6 वोल्ट पॉजिटिव क्या करेगा इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। यानी ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, तो ये जो है ये मीटर टू कलेक्टर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऑन होगा जैसे ये नेगेटिव सप्लाई जो है इसके कलेक्टर पे पहुंच जाएगी, कलेक्टर पे पहुंचेगी तो यहाँ पे जो है ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, और इसी के वैल्यू के अनुसार जो है यहाँ पे ये अपना काम करेगा। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ से इसको नेगेटिव सप्लाई मिलेगी तो ये जब ऑन होगा तो यहाँ पे जो है हमारी पॉजिटिव सप्लाई जनरेट हो जाएगी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और इसको फिक्स करने के लिए यानी 14 वोल्ट फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक BR जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके द्वारा आप इसको जो है फिक्स करके यानी इस वोल्टेज को इस बैटरी के अनुसार, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है तो इससे कम से कम जो है हमारा अगर नॉर्मल बैटरी है तो उसे 14 वोल्ट, और अगर ट्यूबलर बैटरी है अगर होगी तो वहाँ पर हमको जो है 14.4 वोल्ट होना चाहिए। अब ये क्या होगा कि इतने वोल्ट से ज़्यादा इसको जो है ये वोल्टेज नहीं देगा, तो हमारी बैटरी अगर डाउन है तो उस हिसाब से इस बैटरी को इतने करंट के हिसाब से जो है चार्ज कर लेगा। अभी फिलहाल इसका डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देंगे। अभी तो बहुत सारे वीडियो बनाने हैं और हम आप लोग से वादा भी किए हैं, और कई लोगों के कमेंट थे, हम सब वीडियो एक एक करके देंगे। क्योंकि इस समय जो है टाइम ना मिलने की वजह से हम सब कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरा, लेकिन आप उसके लिए घबराए नहीं, हम एक एक करके जो जो कहे हैं वो सब हम आपको एक एक डायग्राम और उसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपको नेक्स्ट देते रहेंगे।
और ये एक इजी सर्किट है, इसलिए हमने जो है यहाँ से स्टार्ट किया है जिसे बताने के लिए। इसका और भी इजी ऑप्शन है जहाँ से आप इसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके डायग्राम भी हम आपको दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।